नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में बीबीसी 24x7। आज हम खड़े हैं सुभाषपल्ली खुदीरामपल्ली 18 नंबर वार्ड, जहां पे गुरुकुल के माध्यम से नारी को, हमारी बहन बेटियों को सशक्तिकरण बनाने के तरफ में दो कदम और आगे बढ़ के देखिए क्या कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। आइए और चीज़ों को स्पष्ट तरीके से हम समझते हैं और जानते हैं। सर हमारे बीच पधारे हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है सर। सर भी पधारे हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। आप लोग बैठ जाए कृपया। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलिए। सेकेंड लाइन खड़े हो गए, आओ उधर से निकलिए निकलिए निकलिए। नेक्स्ट, जल्दी आइए। हैप्पी दिए तालियां बजती रहनी चाहिए। दूसरा हमारे सहयोगी लायंस क्लब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट संजय शाह सर एवं टीम उपस्थित है, उनको भी सर को इस प्रोग्राम में आने के लिए और बच्चों को अपना समय और आशीर्वाद देने के लिए। तेरा पंच के लोग और लायंस क्लब जो इस गुरुकुल के साथ एसोसिएटेड हैं और बच्चे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि शुरू से ये ताइक्वांडो वगैरह सीख रहे हैं। देखिए, पढ़ाई अपनी जगह है लेकिन शरीर अगर नहीं ठीक रहेगा तो कोई भी पढ़ाई काम नहीं आएगी। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन साथ में आपका जो शरीर है ये अच्छे तरीके से काम करता रहे तो इसके लिए कुछ आप लोग को व्यायाम या जो भी है स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते रहना चाहिए, और जितनी कम उम्र में सीखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। जितना ही बड़ा होने पर आप सीखेंगे उतना ही तकलीफ़ होती है सीखने में। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू रखिए, ख़ासतौर पर जो बच्चे हैं आज है तो आप लोग के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। तो अपनी आप लोग ये कोशिश करिएगा कि जब तक आप लोग बड़े नहीं हो जाते 18 साल 20 साल की उम्र तक, इसको अगर आप सीखते रहें तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और आपको एक अलग समाज में एक अलग पोजीशन भी आपको दिलाएगा ये। और ये एक स्पोर्ट्स ही नहीं है, ये एक एनर्जी चैनलाइज करने का तरीका है ताइक्वांडो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी करता है, ये वो भी ब्लैक बेल्ट है, हमने उसको बचपन से सिखाया हुआ है। तो आप लोग भी भाई सीखिए और भविष्य में आप लोग और बढ़िया करेंगे, और आशा करते हैं आप लोगों में से ही कुछ लोग आगे टूर्नामेंट्स में जाएंगे और देश का नाम भी रोशन करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आप यहाँ आए और अपने कीमती वक्त दिए। आप सभी कुछ मोमेंटम का दिवस के उपलक्ष्य में आज जो ये गुरुकुल ताइक्वांडो क्लासेस का व्यवस्था कराया यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में, ताइक्वांडो क्लासेस 2, इस विषय में आप प्रकाश डालिए और समस्त स्कूलों को नारी को सशक्तिकरण बनाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि समस्त स्कूल भी हमारे बहन बेटियों को
शक्तिशाली बनाने के लिए, वो किसी का ये बैसाखी का सहारा की उनको आवश्यकता ना पड़े, अपने आप में वो एक शक्तिशाली हों जो हैं वास्तव में, कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास जो विलुप्त हो गया है, इस विषय में आप क्या कहेंगे बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमारी सिंह है, मैं गुरुकुल की शिक्षिका हूँ। आज गुरुकुल में टाइकोंडो का जो ड्रेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये आपका द्वितीय, ये जो द्वितीय पाठ चल रहा है, जिसमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उसको आत्मनिर्भर, आज हम लोग देख रहे हैं क्या लड़की लोग घर से अकेले बाहर नहीं निकल पा रही है, उनका गार्जियन उसको छोड़ते नहीं है और उन लोगों को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि वो खुद के ऊपर सेल्फ डिफेंस नहीं कर पा रहे। उनको आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे गुरुकुल प्रांगण में आपके सिलीगुड़ी के सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के अंतराज मैम जो कार्य कर रहे हैं गुरुकुल के बच्चे के लिए, खास करके लड़कियों के लिए, स्कूलों में जाके वुमन ट्रैफिकिंग, आज हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारी लड़की है जो माया जाल में फंसी जा रही है, उन लोगों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक उन लोगों को बताया जा रहा है क्या सोशल मीडिया में हम लोग जो फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनका क्या अंजाम होने वाले हैं। आज हम लोगों को कुछ भी लालच दे रहे, छोटे छोटे बच्चे को, लड़कियों को, स्कूल आते टाइम जाते टाइम उन लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगवा कर ले रहे हैं, जिन पर हम गार्जियन, हम टीचर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। अगर मैम स्कूल के माध्यम में जाके बच्चों को बता रही है, समझा रही है, जिससे बच्चे समझ रहे हैं, समझ के उस चीज़ को समझ रहे हैं जो कि उनके साथ वो घटना ना घटे। और मैं मैम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैम हर स्कूल में जाके समझा रही है, खास करके गर्ल्स स्कूल में जाके, हर गर्ल्स स्कूल में जाके मैम अच्छे से समझा रही है वुमेन ट्रैफिकिंग, बाल विवाह। आज छोटी छोटी बच्ची लोग शादी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है मैरिड क्या है, और वो लाइफ में वो बासावाड़ी काम कर रही है, शादी करिए, बासावाड़ी करिए, बच्चा पैदा करिए, ये तो उनके लिए सही नहीं है ना, उसका शरीर को भी नुकसान पहुँच रहा है, उनका फैमिली को भी नुकसान पहुँच रहा है, जिसको हम लोग चाहते हैं ये चीज़ ना हो। और बस्ती में ये जो बच्चियाँ हैं ये लोग सेपरेट रहे, ये लोग आत्मनिर्भर बने, अपनी रक्षा वो खुद कर सके, किसी की ज़रूरत ना पड़े कि मम्मी लेके चलिए, पापा लेके चलिए, वो खुद जब स्वनिर्भर हो जाएगी तो वो बाहर निकल सकती है। और हम लोगों का जो गुरुकुल का मिशन है, जो गुरुकुल परिवार का संदेश है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको शिक्षा देना चाहिए कि वो समाज में आगे बढ़ सके, उनको विवाह कराने का मकसद सिर्फ ना रखे गार्जियन, गार्जियन को समझना चाहिए कि आज हम बेटी को पढ़ाएंगे तो कल हमारी जो बेटी है वो जाके दूसरे बेटी को, हमारा समाज का रोशन होगा और समाज में बेटियों को सम्मान मिलेगा, समानता का दर्जा मिलेगा। इसी तहत मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। क्या लगता है स्कूल आके यहाँ पे कौन आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, सर की मैम? आप लोगों को बड़े होके क्या बनना है? साइंटिस्ट। गुड, वेरी गुड। आपको क्या बनना है बेटा? आईपीएस ऑफिसर। वाह, पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आप जरूर बनेंगे आईपीएस, ऐसे ही मन में रखिए विश्वास। आपको क्या बनना है बाबू? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। साइंटिस्ट बनना है। गुड। आपको क्या बनना है? आर्मी। गुड, क्या बात है, क्या बात है। तो आप देख रहे हैं तमाम बच्चों को, गुरुकुल के बच्चे, जो इनके अंदर संस्कार की बीज ऐसे ढंग से दिया गया है जो सभी अभी से ही अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। बाय। मुझसे बातें करके कैसा लगा? थैंक यू। ओह सो स्वीट। क्या बात है, क्या बात है। दिन शुभ हो।